भावना ये है कि वो मैदानी जंग में जब आते हर एक सहाबी ऐसी जगह तलाश करता है कि वहां भीड़ हो, नेदे हो, तलवारें हो, हर एक सहाबी कहते हैं मैं उधर पहुंच जाऊं ताकि मैं शहीद हो जाऊं, मैं इधर पहुंच जाऊं। ये मौत की तरफ ऐसे दौड़ते हैं जैसे हम लोग शराब की तरफ दौड़ते हैं। फर्स्ट बिहार मारा, अगर ये बात है यहाँ के शहर यकीन अमान तो आप उन्होंने कहना था आप ने घर दो रखा पढ़ दो, इतना सफर किया चलो आधा घंटा एक घंटा और भी हो जाए। आप रहा ना घर में नहीं, बीवी के पास नहीं, फजर के आसान हो गए सलाम फेर, फिर भी ख्याल नहीं चल पड़े मशीन फर्ज तो फर्ज है। अब जनाब चल पड़ी बीवी ने पीछे से थोड़ा सा खेचा, ओहो वो कहने लगे हमारा भी तो हक हो गया, बिल्कुल हक है मगर जब होता जब मैं नमाज में चला गया तो मुझे किसी चीज का ख्याल नहीं आया। ये नमाजे है इन सलाशा, ये नमाजे हैं जो नमाजे हमको अल्लाह के खजानों से बोझ को दिलाते। नमाज बन जाए सब कुछ बन जाए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किसी को भी गवर्नर बनाते तो उसकी नमाज को देखते, ये खानदान का है, ये काला है या गोरा है या नहीं नहीं, रातों को उसके पीछे खड़े होके इसके क़याम को देखते, इसके रुकू को देखते, इसके सजदे को देखते, इसके सलाम फेरने का पूरा एक दिन नहीं कई रातें जब पूरा उनका वो हो जाता अल्लाह फिर फरमाती भाई मैंने तुमको फलाने मुल्क का गवर्नर बनाया, उमर में नहीं जाता अल्लाह के लिए मुझे न भेज, नहीं मुझे खलीफा बनाया और मेरी बात नहीं मानते चलो। तो फलस्तीन और शाम पता हो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हम जो है उसके लिए ऐसा गवर्नर तलाश करे क्योंकि बैतुल माल बहुत बड़ा होगा, सरसब्ज मुल्क है, शादाब मुल्क है उसमें। तो कहते हैं उसके सोचते 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 अबू उबैदा इब्न जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु इंतखाब के ये आदमी, हुज़ूर ने फरमाया अमीनुल उम्मत, इसको हुज़ूर ने फरमाया अमीनुल अल्लाह अमीन। तो मेरे दोस्तों आप जो उसका इंतखाब किया चला गया फलस्तीन में शाम में बैतुल माल आता है तकसीम करता है, समझदार है, मुकशनास है, मर्दुम शनास है, मिजाज शनास, सौ फीसद साहब ऐसे थे वैसे अल्लाह ने समझ दे रखी किनको कितना देना है, किनको कितना देना है, किनको कितना, ये उनका काम था। महाराज उमर रजी अल्लाह अन्हु उसके मुल्क में गए और अब वो वैद्य मिल जर्रा साथ हैं
और उम्र के अहवाल बता रहे हैं, ये है ये है। ओ ये लोग इतने खुश हैं और गवर्नर जी भी खुश है। तो सारे पर चीज और शाम को देखा, फिर आखिर में कहा वो हो गए जरा, मैंने आपका मकान भी देखना है, महल। गवर्नर का महल कितना बड़ा होगा। उसने बहुत सारे उजर किए, उमर क्या करने मेरे घर को आप छोड़े, मैंने कहा नहीं मैंने देखना है। अब वो समझ गया कि अगर न दिखाऊं तो उनको शक पड़ जाएगा, इसको कोई अच्छा सा मकान होगा, बहुत बड़ी आबादी होगी उसमें, बहुत सी चीज, यानी एक शक की वजह से। हाँ कहा ठीक है चलते हैं। जो ही उसके घर में दाखिल हो गए तो कोई खिड़की पे कोई पर्दा नहीं है, दरवाजा भी नहीं है, ताकि हर आन हर घड़ी मेरे पास लोग आए और जो फरियाद करे मैं उसकी बात सुनूं, आधी रात में आ जाए तो आधी रात में मैं उसकी बात सुनूं, ताकि अल्लाह के बंदों को कोई तकलीफ न पहुंचे। तो खिड़की चादर पर हुई, अंदर गए जो पड़ा है, एक चटाई पड़ी है, छोटा सा तकिया भी है, पूरा मकान जो है। अब वो भी ना ये जो ऊपर बर्तन में क्या रखा है ताक में, उन्हें कर दिखाना चाहिए, उसको शक न पड़ जाए कहीं हेरे जवाहरात न हो, ये मैं कहता हूँ, वो पता नहीं क्या सोचता होगा है, जल्दी से उस प्याले को उठाए, मेरा रोजा है, मेरे खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, मैंने सो के टुकड़े पानी में डाले हैं और ये नरम हो जाएंगे और शाम को जो है मैं इसके रोजा इफ्तार कर। अगर तुम्हारे हो गए तो ऐसे रो पड़े, बहुत रोए, आ फरमाया बहुत बेटा हुजूर के बाद सहाबाई के राम में कुछ न कुछ फर्क आया है, लेकिन चूंकि हुजूर ने फरमाया था अमीनुल उम्मत, आप में कुछ फर्क नहीं आया। ये नमाजी जवाब हुकूमत जो भी हो, जो भी कर ताजर ले लो, जमींदार ले लो, नमाज ठीक है सब कुछ ठीक, नमाज खराब है सब कुछ खराब, न सजदा न रुकू न क्याम, अजी दवर 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 कर। एक सुविधा से हमारे आए थे स्वाद में, अब बहुत देखा भी था, साथ भी लगाया था, बहुत खूबसूरत दाढ़ी, जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ते थे तो बहुत बड़े आलिम थे, और मौलवी साहब से फरमाए मौलवी साहब आप तो माशाल्लाह जुमे से पहले इतना अच्छा बयान करते हैं, घंटा भर आपका बयान होता है कुछ ज्यादा भी है, मगर आप उसमें नमाज की तो बात करें, देखो ये आपका मुफ्ती है, डेढ़ मिनट में चार रकात पढ़िए इसे, ये भी नमाज। साहब नमाज का जिक्र जरूर करें। तो हम लोग ये मौलवी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, हम हुजूर की उम्मत है, हुजूर वाला काम हमारा काम है, ये जिम्मेदारी हमारी है नहीं, सबको हमारी है, हम पहुंचाएंगे पूरी बात। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, तो जब हुजूर ने फरमाया मुझे तीन बातें पसंद है, खुशबू और अपनी बेबियां, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, ये लफ्ज जब हुजूर ने कहा तो ये कैसी बात होगी। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह,
मुझे भी तीन बातें पसंद है। आप चेहरे आपके चेहरे मुबारक को देखना, अपने माल को आप खर्च करना, ये मेरी बेटी आयशा आपकी निकाल, मुझे यही पसंद है। उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मुझे भी तीन बातें पसंद है, अमर बिन मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, पुराना कपड़ा। उनसे सबक सीखें, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े, चार जोड़े, पांच जोड़े, दस जोड़े, इसके क्या जूतों के भी बेहिसाब जोड़े, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए फैशन बदल गया, फैशन बदल गया, गर्क हो गए हम लोग। और धोखा दे रहे सेल 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 रियाय, अरे सब धोखे ये पहले से थे हैं उनका, तो कोई रियायत नहीं है, ऐसी होती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह पुराना कपड़ा उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मुझे तीन बातें पसंद है, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, पुरानी पाक की तिलावत कर, ये मजा है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे भी तीन बातें पसंद है, मेहमान की खिदमत, गर्मी का रोजा, कितने डरते हैं हम गर्मी से, वो कहते गर्मी का रोजा, मेहमान की खिदमत, दुश्मन पर ये लगी है हुजूर और सलाम। तो इसमें एक पश्तों का शेर, कभी कभी हमारे काम ये शेर बताना भी नहीं है, और फिर पश्तो खैर, लेकिन जो मैं कहता हूँ, जनत दबा फजो नबरी हिरशी कचावज दो गुलजार दरवेशा। रहमान बाबा कहते हैं, जन्नत के बाग के फूलों को भूल जाओगे अगर तुमने दरवेशों की गुलजार को देखा। जब राही लाए सलाम किया इस मजलिस में, या रसूल अल्लाह मैं जबराइल हूँ, मैं अगर आप लोगों में होता मुझे क्या पसंद होता, फरमाया आपने बताओ, बोले हो को रास्ता दिखाना, गरीब इबादत करने वालों से मोहब्बत रखना, अयालदार मुफ्लिसों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, बोले हो को रास्ता। कहते हैं अल्लाह ने मुझे भेजा है, अब अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का अंदाजा लगाओ, उस जगह से सब कुछ निकल रहा है। लेकिन क्या कहते हैं अल्लाह फरमाते हैं, मुझे भी तीन चीजें पसंद, मुझे अल्लाह फरमाते मेरे रास्ते में जान माल दोनों खर्च कर, अल्लाह के रास्ते में जाओ, ये नहीं मैं तो वक्त दे दूंगे एक साल, सात महीने, चार महीने, मगर मेरे पास पैसे नहीं। कहते पैसे नहीं, आप घर में रहो, चिल्ला दो, चिल्ले की नहीं है से रोजा दो, से रोजे की नहीं दो गज करो, पांच वक्त नमाज पांच जमात पढ़ो, बस पैसों से लोगों को न चलाओ, वरना ये आपके काम के नहीं बनेंगे। अल्लाह फरमाते हैं मेरे रास्ते में जा और माल खर्च करना, अगले गुनाह हो जाए तो बकर फाका आ जाए तो कितनी आजी, ये तो अल्लाह की बात है। तो वह इस्तेफार, ये कितनी बड़ी बात है, तो वह इस्तेफार। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने मुल्क शाम गए, सब सर्दी है, मस्जिद में ठहरे हैं, और ख्याल से यही रात गुजारूं, खादिम ने कहा मेहमान निकलो निकलो, वो मिन्नत कर रहे हैं भाई मुझे बहुत सर्दी लगेगी, सख्त सर्दी है, बाहर तो सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, शाम में थी भी सर्द है, बड़ी मिन्नत की,
मगर उसने अचक धक्का देते देते सीढ़ियों पे पहुंचाया, जाओ और दरवाजा बंद। अब परेशान है, इधर उधर देखते हैं, एक तंदूर वाला है, उस आग खूब जल रही है, आग जना रोटियां पक रही है, ये उनके करीब गया, अस्सलाम वालेकुम कह के, मगर तंदूर वाला खूबसूरत शक्ल, ये नहीं है कि नस्वार और वो मुंह में डाल के और पेड़ों में भी नस्वार उसमें आ जाता, नमाज ये है, पाक आदमी है, चेहरा भी ऐसा है। सलाम किया, कहा भाई मुझे रात के, हाँ ये बहुत तो अच्छी जगह, गरम गरम, ये ऐसी जगह है, बैठे आप यही जाए हमारे पास आ। बहुत खुश हो गए, ये तो बहुत अच्छी जगह है, जहाँ मस्जिद में तो बिस्तर भी नहीं था। अब जनाब देख रहा है तंदूर वाला रोटी पेड़ बना रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, रोटी बना रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और जनाब पता नहीं रोटी निकाल रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और रोटी दे रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इमाम साहब ने देखा, उनसे फरमाए कि भाई आपका अस्तग़फ़िरुल्लाह मुझे बड़ा पसंद आया, और आप बहुत इस्तग़फ़ार पढ़ते, हाँ बहुत पढ़ते, तो कोई फायदा भी देखा है? हाँ, इस्तग़फ़ार का मुझे ये फायदा मैंने देखा है, जो भी दुआ मांगता हूँ कबूल हो। इस्तग़फ़ार माफी अल्लाह से मांग करते रहेंगे, अल्लाह मुझे माफ, अल्लाह मुझे, अल्लाह खुश होते मेरा बच्चे, देखो मेरे साथ क्या। तो दुआ तो आज तक जो मांगे कबूल होगी, एक दुआ मेरी बाकी है, मांगता हूँ अल्लाह से उम्मीद है वो भी हो जाएगी दुआ कबूल। कौन सी दुआ? मेरी तमन्ना है इमाम अहमद बिन हम्बल कैसे वो आपके घर पे पहुंच जाए, मैं तो इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, गले मिले खुश या अल्लाह इस्तग़फ़ार। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अब तकरीबन अला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हम लोग आगे चले, बारिश का मसला हल हो गया, आगे समुंदर पे जाना है, और समुंदर पे न कश्ती न पुल, हमेशा उतरे या अज़ीम या अज़ीम या अज़ीम या अज़ीम पढ़ के जाओ, घोड़े से जाओ समुंदर के ऊपर डालो, अब जो ना समुंदर के ऊपर घोड़ों को डाला, ये सुम नहीं है, ये नहीं पी गई। अब कहते हैं हम जब चले समुंदर के ऊपर, हैरान की है बाबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम साथ है, अल्लाह ने बहर कुलज़म में उनको रास्ते दी, बर्फ भी दी, और रास्तों में उनके लिए दरवाजे भी, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। मगर हम हुज़ूर की उम्मती हैं, हुज़ूर हम में नहीं है, हम हुज़ूर की जिंदगी इख्तियार कर रहे हैं, हुज़ूर वाला काम हम कर रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने समुंदर की ऊपर से रास्ते। अब आगे देखता है, दुश्मन ने देखा ये तो अजीब लोग है, दीवान आमदन दीवान, ये तो जिन आ गए, उन्होंने किले छोड़ दिए, नहीं इनका मुकाबला कौन करे। आप जनाब वापस आ रहे हैं, अब फरमाते जब आप वापसी हमारी शुरू हो गई और समुंदर से हम नीचे उतरे, अल्लाह हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल, उनके लिए ये तो आम बात थी, रास्ते में इंतकाल हो जाता था, कफन भी साथ होता, और इसी तरह कब्र खोदना, गुस्ल देना, एक मुर्दे को गुस्ल देंगे 40 साल के गुनाह माफ हो जाते। हम लोग डरते हैं, अपने रिश्तेदार भागते हैं, ये हमारा भाई है, हमारे वालिद हैं, हमारी चचा है,
हमारे ये खुद गुसल दिया करे लोगों से, फैशन से गुसल न दे। बात जो गुप्त होता है बाहर, तो मेरे दोस्तों कहते हैं हमने उनके लिए कब्र खोदी और जनाजा पड़ा और कफन में सब कुछ हो गया, हम आगे चले। लोगों ने कहा आगे लोगों, तुम लोगों ने मुर्दे को दफन किया, हाँ ये हमने मुर्दे को, ये तो रहती जमीन है, यहाँ कब्रें हिल जाती हैं, गिर जाती हैं, वाकई हमने देखा वो जमीन बहुत रहती है, वही चलते हैं वापस हम अपनी मुर्दे को यहाँ से उठाए आगे सब जो है मिट्टी वाली जमीन पे ले जाए। कहते हम आगे ताजा खबर, जब हमने खोला खबर में लाश नहीं, और हद देने का तक रोशनी रोशनी रोशनी। अब फरमाते हैं ये है इस उम्मत के जो माशाल्लाह ईमान वालों के करीश, ईमान आमाल अखलाक मामलात कभी ठीक है, दो एक बड़े मियां एक नौजवान आपस में ठेके में जमीन जाएगी, और दोनों ने कहा इकट्ठा काम करेंगे, जब फसल आएगा आधा आप ले लें, बहुत अच्छी बात। वो जवान जो है बड़े मेहनत से काम करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, और उसके लिए कर्जदार झाड़ी जाता है, और बड़े मियां जो है वो खूब आने के लिए दुआ करता है, खुद भी करता है, सब जो कर सकता सब करते 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 बहुत अच्छी फसल आ गई, गल्ला आ गया, मतलब गंदम है 50 मन है 40 मन है, तो 20 मन जो है एक ने लिए 20 मन दूसरे ने, या 10 मन एक ने 10 मन दूसरे, ऐसे बड़े मियां ने कहा कि जवाब ये तुम अपना यहाँ से बोरे भर के घर ले जाओ, मैं यहाँ रहूंगी, तो ठीक है उसे बोरे भर के करने पे रखे घर ले गए। तो बड़ी मियां ने कहा सारे साल काम ये करता रहा, हम मुझे आधा दिया, उसको ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे थोड़ा मिलना चाहिए, चलो इसने तो किया, तो अपने हिस्से में से वो भर भर के उस पे डाल। जवान आ गया, बड़े मियां से कहा वो बोरी भर के ले जाए, वो जो चला गया अब बोरे घर ले गया, तो उस जवान ने कहा देखो मैंने इसको आधा क्यों किया, इसका ज्यादा होना चाहिए, मेरा कम होना चाहिए, क्योंकि मैं मजदूरी कर सकता हूँ, मेरे जवानी है, मैं थकता नहीं, ये बुरा बेचारा इसको मैंने आधा क्यों, चलो इसको ज्यादा दे देता हूँ। तो अपने पे वो हाथ डाल के इस तरफ, अब इधर खेलते जब हो जाते इधर खेलते हो जाते इधर डालता है, सुबह से लेकर शाम तक घरों में जगह नहीं है, अंदर कमरा भी भरा, बरामदा भी भरा, और नीचे भी गंदम आ गया, अब पता नहीं। और फिर आपस में दोनों ने कहा कि ये क्या बात है, ये हमारे बहुत वो घर में जगह नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि असल में बात ये है कि मैं आपको डालता था, उन्होंने कहा मैं आपको डालता था, अल्लाह फरमाते तुम क्या डालोगे, जब तुम ऐसी नियतें रखते हो तो हम बहुत खुश हैं, बरकत है बरकत, रहमत है रहमत। मेरे दोस्तों अपनी यकीन को ठीक करना, आमाल को ठीक करना, ये आमाल तो नमाज के बाद कुछ हो गई, सिक्योरिटी दावत भी करेंगे, और अल्लाह आपका भला करे, ये जो मामला है इसको सही सही करना है, ये सिफात ऐसे हैं कि इन सिफात की बरकत से अल्लाह ताला उम्मत पे रहमत नाजिल फरमाते हैं,
बरकते नाजिल फरमाते हैं। इसलिए हमारे ये सारी सिफात जो है हमारे और इसके लिए ये तो अब हम कहते हैं ना तबलीग तक पहले तो नहीं था, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने फजल फरमाया कि इस सदी में मौलाना यासर रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह ने बात डाली गुणन की और गम था, या अल्लाह ये कैसे होगा, मैं वादियों में मेहनत करते रहे, अल्लाह ने ऐसा करम किया जमाती निकलनी शुरू हो गई। आज मातों में निकलना जो है वो अल्लाह के फजल से, आप सब अगर मैं ये कहूँ तो यानी ऐसी हालत में नहीं थे, न दाढ़ी न पगड़ी न नमाज, ये सब दे कोई कोई हो गए सौ में दो चार, कैसा काम किया अल्लाह ने तो अल्लाह के फजल करम से अब दुनिया में काम फैल गया। मशरिक मगरिब शुमाल मेरी बात पूरी हो गई। फजीलत जरा एक बताता हूँ, एक रिवायत है अब फरमाते हैं हम समुंदर के किनारे गए जिहाद के लिए, कितने दिन गुजरे मुझे मालूम नहीं है, उलमा को पता है, और वापस मदीना तैयबा तशरीफ लाए और जब आ गए तो ये अबू हुरैरा का घर है और ये यहाँ हम थे। हम जब घर में वापस आते हैं सीधे चले जाते हैं एक जमानदार चले और बीवी उन्हें इंतजार करते बच्चे इंतजार। अच्छा अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं खड़ा था और एक आदमी आया, क्या अबू हुरैरा आप घर में क्यों नहीं जाते? अबू हुरैरा फरमाते मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अल्लाह के रास्ते में एक साथ 25 मिनट 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट अल्लाह के रास्ते में एक साथ के लिए खड़ा हो जाना रमजान का महीना लैलतुल कदर की रात और बैतुल्लाह शरीफ हजरे अस्वद के सामने इबादत से भी बेहतर। भाई ऐसे नहीं किया तो कहीं भी नहीं, इस काम के लिए सारी जिंदगी का तय करें, हम सारी जिंदगी लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो तरतीब बदलू जैसे बताते हैं तो उस तरतीब पे हम मुकद देंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं नकद नकद नाम यानी आप पेश करें। हमारा मुतालबा इस वक्त हम वैसे साथ का भी है, सात महीने भी है,